व्यक्ति के हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला मारा गया है। उसे इजराइल की सेना ने उसी के ठिकाने पर जहां वो एक बंकर में छिपा बैठा हुआ था उसे ढेर कर दिया। लेकिन इजराइल को हिजबुल्ला के बंकर की लोकेशन कैसे मिली और कैसे एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और कैसे 11 दिनों के भीतर नसरल्ला और उसकी पूरी मित्र मंडली का दी एंड हो गया। इसराइल का उत्तरी लेबनान का दक्षिणी इलाका बारूद की गंध से भरा है। हवा में ऑक्सीजन कम, बारूद ज्यादा है। लेकिन 27 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह एंड कंपनी के लिए कयामत वाला था, क्योंकि शुक्रवार की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। रात से ही लेबनान की राजधानी बैरूत बम धमाकों से गूंज रही थी और टारगेट था हिजबुल्लाह का वो हेडक्वार्टर जिसमें इसराइल का मोस्ट वांटेड नसरल्ला छुपा हुआ था। इस बात की लीड लंबी चली रह की पूरे नेटवर्क बिठाने के बाद इसराइल को मिली थी और फिर इसराइल के सुप्रीम लीडर का फोन आया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फ्राइडे। देखते ही देखते बैरूत का तहिया रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए जिन्होंने हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर को न सिर्फ नेस्तो नाबूद कर दिया बल्कि उसके चीफ नसरल्लाह का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह लंबे समय से बंकर में रहता था। वो इसे अपना अभेद किला मानता था। उसे लगता था कि यहाँ उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इसराइल ने 11 दिन के अंदर पूरा खेल बदल दिया। 17 सितंबर को पेजर हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से अटैक किया, 19 सितंबर को लेबनान पर मिसाइल अटैक किया, 20 सितंबर को 80 मिसाइल हमले किए, 21 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, 22 सितंबर को 500 मिसाइल हमले, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले, 24 सितंबर को बैरूत पर हमला, 25 सितंबर को बॉलबेक और बेल पर हमला, 26 सितंबर को बैरूत पर मिसाइल अटैक, 27 सितंबर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इसराइल ने कसम खाई थी कि वो जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा चुप नहीं बैठेगा। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! इतिहास गवाह है कि इसराइल ने अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लिया, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा क्यों ना। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह बंकर में छिपा था। उसे लगता था कि बंकर में उसे कोई नहीं मार सकता। उसे साफ तौर पर बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पिछले 13 साल से नसरल्लाह बंकर में छिपा हुआ था। वो कभी सामने नहीं आता था। जब भी हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को कोई संदेश देना होता नसरल्लाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। आमतौर पर इस तरह के बंकर का इस्तेमाल बड़े हमले से बचने के लिए करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त परमाणु हमले से बचने के लिए इस तरह के बंकर बनाए गए थे। हिटलर भी ऐसे बंकर में रहता था। लेकिन इसराइल ने इतने रॉकेट दागे कि जिस बंकर को नसरल्लाह सबसे सेफ समझता था उसमें ही उसकी कब्र बना दी गई और अब करीब करीब हिजबुल्लाह की टेरर टीम ऑल आउट हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ बारेद यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा है, जिसके खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, हिजबुल्लाह एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत मचा रखी है, जिसकी दखल कई शिया बहुल देशों में चलती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए, इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं हिजबुल्लाह कितना खतरनाक और उसके लीडर की मौत से क्या फर्क पड़ेगा। ये देखिए,
कितना खतरनाक है हिजबुल्ला। 1982 में इस संगठन को बनाया गया था जिसका नाम हिजबुल्ला है। 1992 में नसरल्ला इसका चीफ बना, 32 सालों से वो इस संगठन का चीफ था। लेबनान सरकार में दखल है उसका सीधे तौर पर। इसी के साथ यहां पर आपको ये भी बता दूं कि ईरान का फुल सपोर्ट है हिजबुल्ला को, पूरे तरीके से वो हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है। इसी के साथ 2006 में इसराइल से 34 दिनों की जंग लड़ी हिजबुल्ला ने। 2006 की बात है ये, जब दोनों ही के बीच जंग हुई थी। ताकत कैसे है, 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके इसके पास हैं, 1,20,000 से 2,00,000 रॉकेट इसके पास मौजूद हैं, कई बैलिस्टिक मिसाइल भी हिजबुल्ला के पास है और यही उसकी ताकत को बताता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।